हे गाइस, आप देख रहे हैं क्रिप्टॉक। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट रिलीज मूवी टाइम टू हंट के बारे में। ये फिल्म अभी 23 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है और ये कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इसे इंग्लिश के सबटाइटल लगा के आराम से देख सकते हैं और ये मस्ट वॉच मूवी है। इस मनी हाइस्ट जैसा स्टोरी दिखाता है, जॉन विक जैसा एक्शन है, हर चीज का इसमें भरपूर मजा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस मूवी का रिव्यू, एंडिंग एक्सप्लेनेशन और मूवी की फुल स्टोरी। सो मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। साउथ कोरियन मूवीज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, साउथ कोरियन मूवी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज बनाती है और अभी इसकी लास्ट मूवी जो पैरासाइट आई थी उसने 4 ऑस्कर जीत रखी है। सो इन लोगों का एक लेवल होता है बनाने में। ये लोग काफी दमदार मूवी बनाते हैं, काफी दमदार एक्शन देते हैं। इनकी ट्रेन टू भूषण भी बहुत अच्छी मूवी निकल के आई थी हम लोगों के सामने। सो दोस्तों, ये मूवी भी बहुत अच्छी है और नेटफ्लिक्स पे 23 अप्रैल को ही रिलीज किया गया है। सो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है और मैंने इसको इंग्लिश सबटाइटल लगा के देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेके आप लोगों के सामने आया हूं। बात कर ले इसके रनिंग टाइम की, तो इसकी रनिंग टाइम है 134 मिनट। इसकी स्क्रीन प्ले बहुत ही दमदार लिखी गई है और दोनों पार्ट्स ऑडियंस को जोड़े रखती है। और 134 मिनट कब आपका खत्म हो जाएगा इस मूवी को देखते देखते आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा विजुअल्स और वीएफएक्स दिखाती है कि आपको बहुत ही मजा आएगा और कहीं भी आप बोरिंग नहीं हो पाएंगे। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बेस्ट है, इसमें जितने भी एक्टर्स आए हैं सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है और एक्शन भी बहुत तगड़ी है। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम शुरू करते हैं इसकी फुल स्टोरी। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, जून सियोक, जंग हो और की हुन। ये 3 दोस्त होते हैं आपस में। जितनी भी चोरियां करनी होती है, जितने भी क्राइम करने होते हैं, ये तीनों मिलकर क्राइम करते हैं। एक क्राइम किए होते हैं जिसमें ये लोग बहुत ज्यादा पैसे चोरी किए होते हैं कि जून सियोक गिरफ्तार हो जाता है, सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं इनके। इस कहानी के शुरुआत में ही जून सियोक की रिहाई होती है, जो पिछला मनी हाइस्ट किया होता है उसमें उन लोगों का सारा करेंसी बर्बाद हो गया होता है। सो जून सियोक एक प्लान बनाता है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्यों ना हम एक लास्ट मनी हाइस्ट करें। पैसे चोरी कहां से करना है, तो इसका एक लोकेशन बनाते हैं, एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं। इनके प्लान में आता है एक इलीगल गैम्बलिंग हाउस। जी हाँ, वहीं का ये डॉलर्स उड़ाना चाहते हैं। सो उसके लिए चाहिए होगा गैम्बलिंग हाउस के अंदर का कोई आदमी। इसके लिए ये लोग एक चौथे आदमी को हायर करते हैं अपने ग्रुप में, सैंग सो नाम का, जो कि अंदर का आदमी होता है और वो सारा बात अंदर का बताएगा। ये फाइनली चारों मिल के गैम्बलिंग हाउस के अंदर का रुपया उड़ा भी देते हैं। काफी यहाँ पे मारपीट दिखाता है, एक्शन दिखाता है, पैसे तो उड़ा दिए होते हैं लेकिन जो गैम्बलिंग हाउस का ऑनर होता है, इसका सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा होता है। सो ये लोग जानते हैं कि गैम्बलिंग हाउस का ऑनर इनको छोड़ेगा नहीं। सो जो अंदर का आदमी सैंगसो होता है, ये जून सियोक से बोलता है कि अगर मैं भागा तुम लोगों के साथ तो गैम्बलिंग हाउस का ओनर सीधा मेरे पे शक करे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों का वीडियो कैप्चर हुआ है उसको हम पहले चोरी करके उड़ा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये शहर से भाग जाएंगे। सो ये लोग करते भी ऐसा ही है, हार्ड ड्राइव को ये चारों मिलके उड़ा देते हैं। उसी बीच गैम्बलिंग हाउस का ऑनर जो होता है, ये एक किलर को रिक्रूट करता है जिसका नाम हैन होता है, और ये किलर जो होता है इन लोगों को बारी बारी से ढूंढना शुरू करके ठोकना शुरू करता है। सो सबसे पहले हैन ढूंढता है जून सियोक को, लेकिन जून सियोक तक ये पहुंच नहीं पाता, उसे पहले पहुंचता है उसके थर्ड पार्टी के पास। जेल में जून सियोक एक आदमी से मुलाकात करता है जिसका नाम होता है बोंग सिक। ये एक आम डीलर होता है और ये जब मनी हाइस्ट करता है गैम्बलिंग हाउस में, तो इसको गन्स वगैरह, आर्म्स वगैरह की जरूरत होती है, तो ये बोंग सिक से ही आर्म्स वगैरह खरीदता है और ये बोंग सिक इसका पूरा मदद भी किया है। बोंग सिक का भाई होता है बोंग सू, जो कि ट्विंस ब्रदर होते हैं। बोंग सू का नाम आप याद रखे रहिएगा, इसका कहानी मैं लास्ट में बताऊंगा। सो हान पहुंचता है बोंग सिक के पास, बोंग सिक को ठोक देता है। बोंग सिक से इसको पता मिल जाता है जून सियोक का, लेकिन जून सियोक वहां से निकल जाता है। कहानी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। इसी बीच गैम्बलिंग हाउस के ऑनर का शक जाता है अपने आदमी सैंग सो के पास, जो कि इसके गैम्बलिंग हाउस में काम करता होता है। उसके बाद हैन पहुंच जाता है, सैंग सो को पकड़ लेता है और सैंग सो को ठोक देता है। सैंग सो यहाँ पे मर जाता है। कहानी और आगे बढ़ती है। अब ये जो ट्रायो दोस्त जो होते हैं, जून सियोक, जैन हो, की हुन, सो ये तीनों दोस्त एक साथ एक फार्म हाउस पे रह रहे होते हैं। तभी ये हैन वहां पे पहुंचता है, जून सियोक हैन को आते हुए देख लेता है। सो ये लोग वहां से एस्केप करते हैं। इसी बीच की हुन को अपने पेरेंट्स का याद आ जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारे पीछे है, ये हम तीनों को आइडेंटिफाई कर चुका है, हम लोग जहां जा रहे हैं ये ट्रैक कर ले रहा है। हैन इन लोगों के पीछे पड़ चुका होता है और ये और इन लोगों को लगता है कि हैन एक पुलिस वाला है, जबकि हैन एक किलर होता है। ये पुलिस की गाड़ी में ही आता है इन लोगों को मारने के लिए। की हुन को अब लगता है ये बात, मेरे पेरेंट्स अब सुरक्षित नहीं है, सो भागने पे ध्यान नहीं दे के हमें अपना पेरेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सो की हुन वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हैन उसको ढूंढ के मार देता है। इस तरह यहाँ पे 2 आदमी साफ हो जाते हैं। तो बचता है जून सियोक और जैंग हो। सो ये दोनों वहाँ से एस्केप कर रहे होते हैं। तभी हान गोली चलाने लगता है
और जैंग हो और हान के बीच लंबा चौड़ा गोलीबारी होता है, लेकिन इसमें जैंग हो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसको गोली लग जाता है। तभी बोंगसो वहां पे आ जाता है अपने पूरे साथियों के साथ और हैन के साथ आते ही भीड़ जाता है। ये बोंगसो अपने भाई बोंगसिक का बदला ले रहा होता है जिसको कि हैन मार दिया होता है पहले ही। मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए नाम। सो ये वही बोंगसिक है जो कि यहाँ पे आके ये हैन को गोली मार देता है और हैन यहाँ पे मर जाता है। दिखाता यही है कि यह यहाँ पे मर गया है। इसके बाद क्या होता है कि जैंग हो को गोली लग गया होता है, जैंग हो वहाँ मर जाता है। तीनों दोस्तों में बचता सिर्फ एक दोस्त है जून सियोक, जिसका कि ये प्लानिंग होता है, जो कि मास्टरमाइंड रहता है इस लूट का। सो जून सियोक वहाँ से ताइवान निकल जाता है। अब इसको ये लगता है कि हैन मर चुका है। ये जब ताइवान में रह रहा होता है तब इसके पास एक न्यूज आता है कि हैन अभी जिंदा है और इसको तलाश रहा है। सो अब जून सियोक को ये पूरा डर है कि ये कभी ना कभी मुझे ढूंढ लेगा और मुझे मार देगा। अब वो प्लान बनाने लगता है कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो हैन से फिर सामना करना पड़ेगा और हैन मुझे मारे उससे पहले मुझे हैन को मारना पड़ेगा। सो कहानी यहाँ पे इस फिल्म के खत्म हो जाती है। ये फिल्म खत्म होते होते हमें इसका पार्ट 2 का वेट करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाता है कि हैन जिंदा हो चुका है। जब इसकी पार्ट 2 आएगी वो और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसके पार्ट 2 में अब हैन जो है पूरा भूखा भेड़िया बन गया होगा, पूरी बुरी तरह से जून सियोक को ढूंढ रहा होगा मारने के लिए। सो ये हमें सीजन 2 में दिखाएंगी और यही इसकी एंडिंग थी। ये मुझे इतनी अच्छी लगी दोस्तों कि इसकी रनिंग टाइम आवर और भी ज्यादा होती तो मैं बैठ के वो भी देख लेता। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों बस यही था वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।